तो गाइस फाइनली पार्ट टू आ गया है, जो कि आपको ये अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन दिए थे जो कि आपके त्रिमासिक एग्जाम में पूरे पूरे आने वाले हैं, ठीक है। एंड आपका एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, फिजिक्स का पेपर आया है लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है कि क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसा पेपर है, आप उसे पेपर को देख लेना, क्योंकि मुझे तो काफ़ी हद तक रियल तो नहीं कह सकता लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत रियल रेयर लग रहे हैं। एंड अभी तक तो वो आई थिंक देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में भी उसके क्वेश्चंस कॉमन रहे हैं, एंड फिर देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। ओके, तो आपको कभी भी ऐसा मत समझना कि इस चैनल पर तो फुल विश्वास रख सकते हो आप लोग, ठीक है, बाकी यूट्यूब चैनल की बदौलत। अगर आपने हमारे चैनल मतलब अपने चैनल को प्रेफरेंस दी ज़्यादा तो फ़ायदा होगा, ठीक है, आपको ऐसा उल्टा सीधा गुमराह नहीं किया जाएगा कि यार ये रियल है वो रियल है, जो सच्चाई होगी वही बताया जाएगा, ठीक है। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जस्ट 100% ही रियल है, हाँ मैं जो क्वेश्चंस जिस पेपर में बहुत अच्छे रहा करेंगे, जो कि आपके पूरे में पूरे वही आने वाले हैं क्वेश्चंस, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब मैं फिजिक्स के लिए आपको 5 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन इसके पहले आप लोग ये देख लीजिए आपके इसके आंसर्स आ गए हैं, पूरे अभिव्यक्ति एंड माध्यम के आंसर मिल गए हैं। वो एक स्टूडेंट ने बहुत हेल्प करी जिन्होंने ये लिखकर भेजा, मैंने आपसे कल बोला था कि जिस स्टूडेंट्स को मदद करना चाहे वो मदद कर सकता है इस नंबर पर 6260296833, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एंड आप इस पर हेल्प कर सकते हो गाइस, जो हेल्प हो सके, ठीक है। आप नॉर्मली बात कर सकते हो, आप एक फ्रेंड समझ के बात कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल है एंड फ्रेंड समझ के बोल सकते हो, ठीक है, उसमें आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे सर हैं, आपको जो मन में डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हो, हाँ बस ये मत पूछना कि सर रियल पेपर दे दीजिए, ठीक है, मतलब समझ गए होगे आप लोग। ओके, तो चलो इसके आंसर दिए हमें एक स्टूडेंट्स ने, उनके लिए थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प करी, उनका नाम मैं देख लेता हूँ, रेसू है ना उनका, थैंक यू रेसू, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत अच्छी राइटिंग में उन्होंने लिख के दिए हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ जिससे कि आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइज, तो गाइज ये रहे आपके आंसर, ठीक है, पूरा क्वेश्चंस उन्होंने मतलब जो स्टूडेंट हैं रेसू उन्होंने बहुत अच्छे से नोट डाउन किया है एंड बहुत अच्छी, इतनी अच्छी राइटिंग तो यार हमारी भी नहीं आती, एक्चुअली हमारी राइटिंग अच्छी कहाँ आती यार मैं और अलग, ठीक है। तो आपको यही करना है, बिल्कुल क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है एंड बहुत काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने मदद की, एटलीस्ट 50+ स्टूडेंट ने पिक्स भेजी हैं, PDFs भेजी हैं, ज़्यादातर पिक्स भेजी हैं जिन्हें PDF कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें मतलब जिन्होंने ये PDF भेजा उन्होंने PDF कन्वर्ट करके ही दिया था एंड काफ़ी ज़्यादा मददगार हुआ ये, एंड मैंने इसके आंसर्स पढ़ लिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, सभी आंसर्स बिल्कुल ट्रूली एंड फेथफुल हैं। ओके, चलो संचार क्या है, तो आपको यह लिख देना, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक संदेश पर समान समझ पैदा करते हैं के लिए विचारों भावों, मतलब जो एक जैसे दो या दो से व्यक्ति, मतलब जैसे आप ग्रुप में बैठे हो, सेम आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो अपने भावों को प्रभावों को आदान प्रदान करते हैं, मतलब बातें करना सिंपली संचार होता है, ठीक है, जैसे आपने अपनी बातों ने बताई, उनने अपनी बात हमें बताई और जो अपने भाव विचार हैं वो सब चीज़, ठीक है। संचार के माध्यम किसे कहते हैं, संचार माध्यम से आशय है कि संदेश के प्रभाव को प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम, संचार माध्यमों का विकास के पीछे मुख्य कारण मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना है, वर्तमान समय में संचार माध्यम का समाज में गहरा संबंध एवं निकटता है, इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हेतुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। ओके गाइस, एंड एक और बात बतानी थी आपको, जो ये आंसर्स रहते हैं जिस भाषा में लिखते हैं, जिसे स्टैंडर्ड भाषा कहते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही अपने आंसर आप कॉपी में लिखना, बोर्ड कॉपी में हो गई या अभी स्कूल कॉपी आप लिखोगे ना त्रैमासिक में, वैसे लिखना, ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो ये सामने लिखी हुई है, ठीक है, यही आपको बुक्स वगैरह में देखने मिलेंगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, अपने मन से मत लिखना, जैसे अभी मैंने आपको संचार बताया कि अब जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको हम संचार कहते हैं, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। ओके, संचार के कुल तत्वों की समझाइए, संचार के कुल तत्वों को समझाइए, तो कुल निम्नलिखित हैं, तो संचार के प्रेषक हो जाते हैं, फिर विचार आ जाते हैं, फिर संवेदीकरण आ जाता है, फिर संचार का माध्यम आ जाता है, फिर प्राप्तकर्ता आ जाता है, ये 5 पॉइंट है हमारे, ठीक है, ये 5 पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी ओ सॉरी अभी ये डिकोडिंग और फीडबैक भी बचा है, ठीक है, डिकोडिंग एंड फीडबैक भी आप लोग कर लेना 7 points। ओके ये तो बहुत है, फीडबैक के लिए तो एक अलग से ही क्वेश्चन आता है जहाँ तक, लेकिन डिकोडिंग के लिए भी आता है, फीडबैक के लिए भी आता है, तो इनको और अच्छे से कर लेना। संचार के प्रकार बताइए, तो संचार के प्रकार निम्नलिखित है, सांकेतिक विचार, ठीक है, और इसके बाद ये पूरे 7 DM में सबको पढ़ूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। इंटरनेट की विशेषताएं बताइए, तो कम्युनिकेशंस बनाना है। इंटरनेट की पहली विशेषता है कि सभी को एक साथ जोड़ना है इंटरनेट के माध्यम से। आज एक व्यक्ति किसी भी स्थान से, जैसे आप लोग आप यही देख लो, इंटरनेट यही है, आप कहीं बैठे हो, हम कहीं बैठे हैं, हमारी वीडियो आपके पास कहीं पहुंच रही है, चाहे आप गांव से रिलेट करते, शहर से रिलेट करते, किसी भी कोने में बैठे हो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, या किसी और की वीडियो देख सकते हो, या आपस में जैसे बात कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा, FB हो गया, है ना, ये इंटरनेट है। इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से PhD की होगी इसके लिए, तो क्योंकि सभी आजकल इंटरनेट वगैरह है ना। चलो शिक्षा, आज का समय इंटरनेट की वजह से, शिक्षा की वजह को शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि हाँ फ़ोन हमें किस लिए मिले थे, पढ़ाई के लिए मिले थे ना, लेकिन वो इंस्टा के लिए बदल गए चलो कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का लाभ और हानि बताइए। देखो अभी तो मैं तो टीवी नहीं देखता जब से फ़ोन आ गया है, ठीक है, जैसे टेलीविज़न मनोरंजन का सबसे बेहतर जरिया है, इसकी वजह से विश्व भर की जानकारी प्राप्त होती है जो कि फ़ोन में भी हो सकती है, इससे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है एंड फ़ोन को भी मिलता है। अगर आपको स्मार्टफोन के बारे में भी पूछा तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हानि, इनसे आँखों को बुरा असर पड़ता है। टेलीविज़न को अधिक देखने के कारण हम अपने परिवार को समय, ये चीज़ें फ़ोन से रिलेट नहीं करती गाइस, थोड़ा थोड़ा है ना, मतलब हानियाँ ज़्यादा, लाभ तो हम ले ही नहीं पाते जो जो दिया है इसमें। पत्रकारिता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्रकारिता हो गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचारों एवं एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना यानी कि लिखना, फिर उसको प्रिंट करवाना एंड फिर पहुँचाना, एंड फिर जैसे अखबार हो गया, रेडियो, दूरदर्शन आदि, यही ये जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह रहते हैं वैसा, ठीक है। वॉच्ड पत्रकारिता एवं पीत पत्रकारिता वही है, किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसमें दोनों के लिए हैं, पीत पत्रकारिता एंड वॉच डाक पत्रकारिता, ठीक है, दोनों लिए दिए गए हैं। ओके अब इसकी PDF यार पता नहीं भेज पाते यार ग्रुप्स पर सॉरी, क्योंकि वो एरर दिखाना, मैं जैसे ही डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करता और उस पर व्हाट्सएप पर क्लिक करने के लिए जाता तो उसमें एरर दिखाने लगता, पता नहीं आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 30 क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन तो देख लिया होगा, ये इसका आंसर रहा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडलाइन क्या है, तो अखबार या पत्रकारिता में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की निश्चित समय सीमा होती है, उसे डेडलाइन कहते हैं, समझ आ गया ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं। रेडियो नाटक ध्वनि और शब्दों को नाटकीय सामंजस्य है, ये स्पेशलिस्ट शब्द है जिसे संवाद ध्वनि प्रभाव संगतिक और नौ के सहयोग से इन प्रकार चित्रित होता है, इसे तट स्रोत या मानव पलट को स्पष्ट चित्रित स्पष्ट किया कर सके, ठीक है, रेडियो नाटकों में स्रोतों के मानस पटल पर स्पष्ट चित्र को स्पष्ट किया जा सके, ठीक है, रेडियो नाटक कहलाता है। मतलब इतना लंबा चौड़ा वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका इजी आंसर भी है, 2 lines में हो जाएगा ख़त्म, ठीक है, आप इसे वैसा भी याद कर सकते हो दूसरे तरीके से, गूगल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, या परीक्षा अध्ययन वगैरह में मिल जाएगा, बोध हो गया, परीक्षा अध्ययन हो गया। मुक्ति माध्यम की अनेक विशेषताएँ लिखिए, तो ये लिख सकते हो, मुक्ति माध्यम का पाठक शिक्षित होता है, मुक्ति माध्यम चिंतन विचार एवं विश्लेषण का माध्यम है, मुक्ति माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है, मुक्ति माध्यम के छपे हुए शब्दों में विस्तार है, मैंने नीचे से पढ़ा है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है संपादन क्या है, तो किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मानसिक, शाब्दिक पत्र को कविता, पाठ, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके आवश्यकता अनुसार उनके संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करके उनके सार्वजनिक प्रयोग का प्रकाशन को क्या कहते हैं, संपादन कहते हैं, योग्य बना देना, ठीक है। डेडलाइन क्या है, अखबार या पत्रकारिता में समाचारों का रिपोर्ट का प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित ये तो हो गया ना अपना रेडियो नाटक, ये हो गया हाँ। नेक्स्ट आ जाता है समाचार लेखन के 6 कारकों की महत्व बताइए, तो ये 6 कारक हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे।
ठीक है, ये पूरे आंसर दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है समाचार लेखन की किन किन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये है। फिर बी रिपोर्टर्स किसे कहते हैं। एंड उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संपादन की प्रमुख कार्य बताइए, संपादन से क्या तात्पर्य है। एंड फिर हमारी पीडीएफ ख़त्म होती है। अब इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए है तो वो भी कमेंट करके बता देना। एंड थैंक यू सो मच अगेन। एंड आप लोग मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर सकते हो एक फ्रेंड सोच के, ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है अभी एग्ज़ाम रिलेटेड, जो भी कन्फ्यूज़न हो रही है एंड जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप सब डिस्कस कर सकते हो, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। बस ये मत पूछना यार रियल पेपर सर दे दीजिए यार मैं थक गया हूँ इतने ज़्यादा मैसेजेस आए। ओके ओके ठीक है, तो फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।